आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। एमपी के बैतूल में एम्बुलेंस खड़े खड़े ही कबाड़ में तब्दील हो गयी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे स्वास्थ्य विभाग का निकम्मापन साफ देखा जा सकता है। विधायक निधि से मरीजों की सुविधा के लिए 5 एम्बुलेंस दी गई थी, जिनका रजिस्ट्रेशन न होने के कारण वो चली ही नहीं और कबाड़ में बदल गई। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तत्कालीन विधायक पर दोषारोपण कर रहे हैं कि उन्होंने कागज नहीं दिए थे, जबकि एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग ने ही खरीदी थी। दरअसल बैतूल में 2016 में विधायकों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दी गई एम्बुलेंस बिना पंजीयन के ही सड़कों पर दौड़ती रही और जब दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उन्हें कबाड़ में खड़ा कर दिया गया। आमला विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक चैतराम मानिकर ने साल 2016 में मरीजों की सुविधा के लिए विधायक निधि से एक एम्बुलेंस सामुदायिक अस्पताल को आमला को दी थी। इसके बाद से लगातार इस वाहन का परिवहन विभाग में पंजीयन कराए बिना ही धड़ल्ले से बोरदेही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया जा रहा था। जब एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसके बाद से उसे खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक 2016 में तत्कालीन विधायक चेतराम मानिकर ने विधायक निधि से बोरदेही अस्पताल को मारुति ओमनी एम्बुलेंस के लिए 3,61,355 रुपए की राशि दी थी और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति तत्कालीन कलेक्टर शशांक मिश्र ने दी थी, जो CMHO बैतूल के नाम से ही खरीदी गई थी। किसी ने उसका पंजीयन कराना जरूरी नहीं समझा। नतीजा, बेधड़क एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ती रही। जब दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसे साइड में खड़ा कर दिया, जिससे वो कबाड़ हो गई। तो वहीं मुलताई के तत्कालीन विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने सामुदायिक अस्पताल को एम्बुलेंस खरीदने राशि दी थी। CMHO के नाम से एम्बुलेंस ली गई, लेकिन पंजीयन नहीं हुआ। नतीजा वही, एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई। तो उस एम्बुलेंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, माननीय विधायक जी मानेकर साहब थे, उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को एम्बुलेंस आमला CSC को दी थी, लेकिन उसके कागज अभी तक प्रोवाइड नहीं हुए हैं। कई बार पत्राचार भी किया है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो एम्बुलेंस उसी स्थिति में खड़ी हुई है। बिना रजिस्ट्रेशन के एम्बुलेंस को नहीं चलाया जा सकता है और कागज प्राप्त नहीं हुए हैं, और हमने अपने स्तर से उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोशिश ही की है, तो उसमें आ जाता है पोर्टल में कि नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कोई भी रिकॉर्ड इसका वहाँ नहीं है। अब द्वारा पत्र लिखा जा रहा है माननीय सांसद महोदय को कि उसकी कागज जो है ना प्रोवाइड कराएं, ताकि रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही आगे की जा सके। इस एक्सीडेंट के बारे में मुझे अभी पता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन उसका ये है कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए उसको कार्य में नहीं लाया जा पा रहा। देखिए, पूर्व में आंवला विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक चेतराम मानेकर जी ने, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, 2016 में एक एम्बुलेंस विधायक निधि से बोरदेही अस्पताल के लिए दी थी, परंतु उस एम्बुलेंस का ना सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराया और बिना रजिस्ट्रेशन के ही वो चलती रही। इस बीच में उसका एक एक्सीडेंट हुआ, जब से वो खड़ी है तो कबाड़ हो रही है। इसी तरह मुलताई में तत्कालीन विधायक चंद्रशेखर जी देशमुख ने भी एक एम्बुलेंस दी, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के चलती रही और वो किसी मरीज को लेकर जा रही थी, तो उस समय उसका एक्सीडेंट हुआ, उससे एक आदमी मर गया। आज वो भी एक्सीडेंट के बाद से वो एम्बुलेंस खड़ी हुई है। भाई, हमारा तो काम ये होता है, विधायक निधि से हम स्वीकृति का एक लेटर देते हैं योजना मंडल को जी। कि हमारे विधायक निधि से फलानी फलानी चीज़ स्वीकृत की जाए जी। योजना मंडल अपना प्रस्ताव बना के कलेक्टर के सामने प्रस्तुत करता है, कलेक्टर के वहाँ से स्वीकृति आती, फिर योजना मंडल उसको जारी करता है। तो ये बाकी की प्रक्रिया तो योजना मंडल के और कलेक्टर साहब के अधिकारियों की है ना, स्वास्थ्य विभाग की है। तो लापरवाही लगती बहुत बड़ी। अब ये लापरवाही किस अधिकारी की हुई है इसमें, तो उसके जांच होनी चाहिए
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और शासन का पैसा जो 3 लाख जो भी था उसका दुरुपयोग हुआ, जो कबाड़ बन गई, तो ये तो घोर लापरवाही है। वसूली भी होना चाहिए, इनसे वसूली के इन पर कार्रवाई होना चाहिए। सागर टीवी न्यूज़ के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। आपके सपने अब होंगे पूरे, 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट 40 हिलव्यू, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णता वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ पार्क, 24 घंटे CCTV से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी CC रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें, हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।